आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कितने बार पूछे गए हैं सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। तो इन 40 क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि इससे भी बोर्ड एग्जाम में आपके कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, यानी कि खड़ी बोली की पहली गद्य रचना कौन सी है? क है गोरा बादल की कथा, ख है क्या भूलूं क्या याद करूं, ग है साहित्य लोचन, घ है राग दरबारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, गोरा बादल की कथा, ठीक है। ये जो है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, राजा भोज का सपना के लेखक हैं। देखिए सभी क्वेश्चन को देखने के बाद आपको बताना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन पहले से पता थे, ठीक है। देखिए राजा भोज का सपना जो रचना है इसके लेखक कौन है? क है सुप्रशांत सितारे हिंद, ख है किशोरीलाल गोस्वामी, ग है इंशाअल्लाह खां, घ है राधा चरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसकी? क है सदल मिश्र, ख है राजा लक्ष्मण सिंह, ग है स्वामी दयानंद, घ है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव विलास के लेखक हैं, ठीक है, यानी कि माधव विलास के लेखक कौन है? ग है राजा लक्ष्मण सिंह, घ है गोकुलनाथ, ग है लल्लू लाल, घ है सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, लल्लू लाल, ठीक है। माधव विलास जो रचना है इसके लेखक लल्लू लाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं, यानी कि हिंदी के साहित्य इतिहास एक रचना है इसके लेखक कौन है? क है रामधारी सिंह दिनकर, ख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग है मैथिली शरण गुप्त, घ है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतेंदु हरिश्चंद के सहयोगी लेखक नहीं है, इनमें से कौन से लेखक हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद के सहयोगी नहीं है, ठीक है, उनके साथ उन्होंने काम नहीं किया? क है राधाचरण गोस्वामी, ख है बालकृष्ण भट्ट, ग है बाल मुकुंद गुप्त, घ है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने भारतेंदु हरिश्चंद के साथ, यानी कि उनके सहयोगी ये नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है? क है रामचंद्र शुक्ल, ख है श्याम सुंदरदास, ग है बाल मुकुंद गुप्त, घ है जारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, श्याम सुंदरदास। श्याम सुंदरदास जी ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है, तो ख वाला ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर है हमारा क्वेश्चन, वीर गाथा काल के कवि हैं, इनमें से कौन से कवि वीर गाथा काल के हैं, ठीक है। क है भूषण, ख है केशवदास, ग है चंद्र बरदाई, घ है छत्रसाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, चंद्र बरदाई, ठीक है। जो चंद्र बरदाई है ये वीर गाथा काल के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के से पूर्व के लेखक कौन है, यानी कि भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक कौन है? क है फदा शुक्लाल, ख है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग है श्याम सुंदरदास, घ है राय कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सदा सुखलाल, ठीक है। भारतेंदु युग के पूर्व के लेखक सदा सुखलाल जी हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर का है रामाचंद्र, रामा शंकर शुक्ल रसाल को, ख है रामचंद्र शुक्ल को, ग है डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी को, घ है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। ये आधुनिक गद्य के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो क है हंस, ख है सरस्वती, ग है ब्राह्मण, घ है इंदु। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ख, सरस्वती, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किस युग के? क है भारतेंदु युग के, ख है द्विवेदी युग के, ग है शुक्ल युग के, घ है प्रेमचंद युग के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, द्विवेदी युग के। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। 13 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी? क है आगरा, ख है मद्रास, घ है कलकत्ता, घ है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, कलकत्ता, ठीक है। कोलकाता को पहले कलकत्ता नाम था, तो यहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आनंद कादंबरी के संपादक हैं, आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक कौन है? क है गुलाब राय, ख है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ग है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और घ है श्याम सुंदरदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है इन्होंने आनंद कादंबरी का संपादन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती के संपादक हैं, अभी मैंने आपको बताया,
का है पद्म सिंह शर्मा, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामवृक्ष वेणीपुरी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो रामवृक्ष वेणीपुरी जी की नहीं है? का है पतितों के देश, खा है माटी की मूर्तें, गा है गेहूं और गुलाब, घा है पृथ्वी पुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, पृथ्वी पुत्र। ठीक है, पृथ्वी पुत्र जो है वो रामवृक्ष वेणीपुरी जी की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है, इनमें से कौन सी रचना रेखा चित्र है? का है मुद्रा राक्षस, खा है साहित्य लोचन, गा है अतीत के चलचित्र और घा है अंतरिक्ष की यात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अतीत के चलचित्र, ये एक रेखा चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं कृति है, यानी कि स्मृति की रेखाएं किसने लिखा है? का है जैनेन्द्र कुमार की, खा है मोहन राकेश की, गा है महादेवी वर्मा की, घा है रायकृष्ण दास की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, महादेवी वर्मा की। ठीक है, स्मृति की रेखाएं जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के रेखा चित्रकार है कौन? का है जयशंकर प्रसाद, खा है महादेवी वर्मा, गा है रामकुमार वर्मा, घा है विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, हंस के संपादक थे, हंस पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके संपादक कौन है? का है, यह दो प्रकार से आ सकता है, हंस पत्रिका के संपादक थे, का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा है राहुल चांकृतियायन, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, प्रेमचंद जो है ये हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? का है अध्यापक पूर्ण सिंह, खा है रायकृष्ण दास, गा है राहुल चांकृतियायन, घा है अज्ञे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, राहुल चांकृतियायन जो है ये तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग का काल है, यानी कि जो छायावादोत्तर युग था इसका समय सीमा क्या था? का है 1868 से 1900 ईस्वी तक, खा है 1900 से 1922 ईस्वी तक, गा है 1919 से 1938 ईस्वी तक और घा है 1938 से वर्तमान तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, 1938 से वर्तमान तक जो है छायावादोत्तर युग है। ठीक है, जो अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, गा है जयशंकर प्रसाद के नाम पर, घा है रामकुमार वर्मा के नाम पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? इनमें से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घा है महादेवी वर्मा, गा है मुंशी प्रेमचंद, घा है जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर इसका होगा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो प्रसिद्ध आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह जी ने किस युग में रचनाएं की है? का है भारतेंदु युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, घा है छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? का है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार है, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, गा है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं और घा है प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 84 वैष्णवन की यात्रा के लेखक कौन है? का है जैनेन्द्र कुमार, खा है गोकुलनाथ, घा है नाभादास और घा है लल्लूलाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, गोकुलनाथ। ठीक है, गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना की है। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई किस युग में? का है द्विवेदी युग में, खा है भारतेंदु युग में, घा है छायावाद युग में, घा है प्रगतिवाद युग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, द्विवेदी युग में। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? का है रामचंद्र शुक्ल, खा है बाल मुकुंद गुप्त, गा है श्याम सुंदरदास, घा है मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, श्याम सुंदरदास। ठीक है, श्याम सुंदरदास जी काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के लेखक हैं, इनमें से कौन से लेखक भारतेंदु युग के हैं? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है राहुल चांकृतियायन, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल और घा है जैनेन्द्र कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, प्रताप नारायण मिश्र जी जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं इन चारों लेखक में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आप सभी को पता भी होगा, बताइए
का है प्रेम सागर, खा है नासिके, तो पाख्यान गा है सुख सागर, घा है उदय भान चरित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, नासिकेतु पाख्यान। नासिकेतु पाख्यान जो है ये फजल मिश्र जी की एक फेमस रचना है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग के लेखक हैं, इनमें से कौन से लेखक भारतेंदु युग के हैं? का है बालकेंद्र भट्ट, खा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, गा है अध्यापक मूर्ण सिंह, घा है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? यानी कि जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है इसे गद्य काल के नाम से किसने दिया? ठीक है, कहा है भारतेंदु हरिश्चंद, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घा है बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिशंकर प्रसाई की जैसे उनके दिन फेरे किस विधा की रचना है? यानी कि जैसे उनके दिन फेरे ये हरिशंकर प्रसाई जी की एक रचना है, लेकिन ये किस विधा की है? कहा है उपन्यास, खा है कहानी, गा है निबंध, खा है नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, कहानी। ठीक है, जैसे उनके दिन फेरे ये एक कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन थे? कहा है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बाल मुकुंद गुप्त, गा है राधा चरण गोस्वामी और घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? यानी कि जो मेरी असफलता एक रचना है वो किस विधा की है? कहा है डायरी, खा है आत्मकथा, गा है जीवन जीवनी और घा है संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? कहा है 1750 से 1850 तक, खा है 1850 से 1950 तक और गा है 1900 से 1920 तक और घा है 1920 से 1936 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, 1850 से 1920 तक भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक कौन है? इनमें से कौन से लेखक हैं जो भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं? का है मुंशी सदा शुक्लाल, खा है रामचंद्र शुक्ल, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, मुंशी सदा शुक्लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं, यानी कि जो प्रारंभिक गद्य के लेखक थे जो कि राजा थे उनमें से दोनों में से एक कौन है? का है मुंशी सदा शुक्लाल, खा है सदल मिश्र, गा है शिवप्रसाद सितारे हिंद और घा है लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शिवप्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, ये प्रारंभिक गद्य लेखकों में से दो राजाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख सागर के लेखक कौन है? का है लल्लू लाल, खा है मुंशी सदा शुक्लाल, गा है इंशाल्लाह खान, घा है सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर खा, मुंशी सदा शुक्लाल जो है ये सुख सागर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साहित्य लोचन के रचनाकार कौन है? यानी कि साहित्य लोचन एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? का है रामविलास शर्मा, खा है नंदलाल वाजपेयी, गा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, श्याम सुंदर दास। ठीक है, साहित्य लोचन के जो रचनाकार हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस बताता रहूंगा, आपको सिंपली सही आंसर समझना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है? यानी कि इन चारों में से कौन सी रचना है जो पत्रिका नहीं है? का है इंदु, खा है भारत दुर्दशा, गा है सरस्वती, घा है आनंद कादंबिनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। देखिए भारत दुर्दशा जो है ये पत्रिका नहीं है, बाकी जो इंदु है, सरस्वती पत्रिका, आनंद कादंबिनी, ये सब पत्रिकाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मर्यादा पत्रिका का संपादन किया, यानी कि मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? का है जयशंकर प्रसाद ने, खा है संपूर्णानंद ने, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, घा है अज्ञेय ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, संपूर्णानंद ने। ठीक है, मर्यादा पत्रिका का संपादन संपूर्णानंद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं कौन है? का है राम प्रसाद निरंजनी, खा है सदा सुखलाल, मुंशी लाल नियाज, गा है सदल मिश्र, घा है इंशाअल्लाह खां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, राम प्रसाद निरंजनी जो है वो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक मंजरी है, यानी कि मयंक मंजरी एक रचना है, वो किस विधा की रचना है? का है नाटक, खा है निबंध, गा है उपन्यास, घा है संस्मरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, नाटक। ठीक है, मयंक मंजरी एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसके संपादक कौन थे? का है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, खा है भारतेंदु हरिश्चंद, गा है ठाकुर जगमोहन सिंह, घा है काशीनाथ खत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भारतेंदु हरिश्चंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? का है डॉक्टर संपूर्णानंद, खा है वासुदेव फणन अग्रवाल, गा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, घा है रामवृक्ष बेनीपुरी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो जो नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्र है इसका संपादन कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक हैं, यानी कि एक पत्रिका है मर्यादा मासिक एवं टुडे, इस अंग्रेजी दैनिक के संपादक कौन है? का है विद्यानिवास मिश्र, खा है डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी, गा है यशपाल, घा है संपूर्णानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। यानी कि मर्यादा और टुडे इस अंग्रेजी पत्रिका के संपादक, दैनिक के संपादक जो है वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस समय से आरंभ किया? यानी कि जो सरस्वती पत्रिका है उसको किसने, उसको संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन इसको कब प्रारंभ किया, इसकी स्टार्टिंग कब हुई? का है वर्ष 1901 में, खा है 1902 में, गा है 1903, घा है 1904। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया किसने किया था? का है हरि प्रसाद द्विवेदी, खा है राजा लक्ष्मण सिंह ने, गा है अज्ञेय ने, घा है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर खा, राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए कौन? देखिए, का है राय कृष्ण दास, खा है विद्यानिवास मिश्र, गा है गे, घा है हरि प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा। वर्ष 1957 में पद्म भूषण से हरि प्रसाद द्विवेदी जी अलंकृत हुए, यानी कि इन्हें पद्म भूषण दिया गया। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ किस रचना पर? का है गणेश पर, खा है चिदलास पर, गा है समाजवाद पर, और घा है आर्यों का आदिदेश पर। देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं, ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ, यानी कि किस युग में हुआ? का है भारतेंदु युग से, खा है छायावादी युग से, गा है द्विवेदी युग से, और घा है शुक्ल युग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, ठीक है, भारतेंदु युग से, यानी कि हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्न ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है, यानी कि कौन सी ग्रंथ इनमें से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नहीं है? का है हिंदी साहित्य की भूमिका, खा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, गा है हिंदी साहित्य उद्भव व विकास, और घा है चारुचंद्र लेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा। देखिए, दिखने में ही लग रहा है, ठीक है, बाकी सब में हिंदी साहित्य है लेकिन इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका एक रचना है, इसके लेखक कौन है? का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी, गा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और घा है श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन है? का है हरिशंकर प्रसाई, खा है मोहन राकेश, गा है डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी, और घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समालोचक के संपादक कौन है? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, घा है लाला श्रीनिवास दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये जो है समालोचक के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ युग है, यानी कि जो रिपोर्टाज विधा है इसका प्रचलन किस युग से हुआ? का है द्विवेदी युग, खा है छायावाद युग, गा है छायावादोत्तर युग, घा है भारतेंदु युग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, छायावादोत्तर युग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यानी कि जो रिपोर्टाज विधा है इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? का है महादेवी वर्मा, खा है राहुल सांकृत्यायन, गा है शिवदान सिंह चौहान, घा है बाबू गुलाब राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अकाल की विधा है, यानी कि बंगाल का अकाल एक रचना है, ये किस विधा की रचना है? का है डायरी, खा है रेखा चित्र, गा है रिपोर्टाज, घा है भेंट वार्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, रिपोर्टाज, ठीक है, जो बंगाल का अकाल है ये एक रिपोर्टाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? यानी कि जो लाल कनेर है व मेरा बचपन ये किसकी रचनाएं हैं? गा है हरि प्रसाद द्विवेदी, खा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर,
गा है हरिशंकर प्रसाई, घा है मोहन राकेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तुक्का वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिंदगी मुस्कुराई किस गद्य विधा की रचना है। जिंदगी मुस्कुराई ये किस विधा की रचना है, का है रेखा चित्र, खा है संस्मरण, गा है आत्मकथा, घा है उपन्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, रेखा चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं, इनमें से कौन से लेखक संस्मरण लेखक हैं। गा है कमलेश्वर, फरीका है कमलेश्वर, खा है रांगे वराघव, गा है श्रीराम शर्मा, घा है विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, श्रीराम शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति है, यानी कि रिपोर्टाज विधा की सफल रचना कौन सी है। का है गेहूं बनाम गुलाब, खा है आचरण की सभ्यता, गा है कुटज, घा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है। का है वृंदावन लाल वर्मा, खा है हरिवंश राय बच्चन, गा है यशपाल, घा है पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये अपनी खबर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टाज के लेखक हैं कौन। का है जयशंकर प्रसाद, खा है विष्णुकांत शास्त्री, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, घा है डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, विष्णुकांत शास्त्री, ये रिपोर्टाज के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंहावलोकन रचना है किसकी। का है हरिवंश राय बच्चन की, खा है गुलाब राय की, गा है यशपाल की, घा है सुमित्रा नंदन पंत की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, यशपाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तार सप्तक के संपादक हैं, बताइए कौन है तार सप्तक के संपादक। का है विद्यानिवास मिश्र, खा है मुक्तिबोध, गा है गे, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबको मैंने बताया है कि तार सप्तक के प्रकाशन जो है वो वाग्गे जी हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है। देखिए ये एक रचना है, अरे यायावर रहेगा याद। का है रामवृक्ष बेनीपुरी, खा है भगवत शरण उपाध्याय, गा है रांगे राघव, घा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे। देखिए अग्गे जी का पूरा नाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे जो है वो अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है। का है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, खा है रागे राघव, गा है शिवदान सिंह चौहान, घा है उपेंद्र नाथ अस्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण विधा की रचना है, कौन सी रचना संस्मरण विधा की है इन चारों में से। का है दीप जले शंख बजे, खा है बाजे पायलिया के घुंगरू, गा है अरे आयावर रहेगा याद, घा है तब की बात और थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, दीप जले शंख बजे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर 346 रहना चाहते हैं, तो देखिए इसका संस्मरण विधा की रचना इनमें से कौन सी है, दीप जले शंख बजे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है, यानी कि इन चारों में से संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस कवि से माना जाता है, किसने प्रारंभ किया लिखना। का है बाल मुकुंद गुप्त, खा है पद्म सिंह शर्मा, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी, घा है श्रीराम शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, श्रीराम शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के समालोचक नहीं है, कौन नहीं है। का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है डॉक्टर नगेंद्र, गा है बाबू गुलाब राय, घा है रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, बाबू गुलाब राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यालोचन गद्य की विधा है, यानी कि साहित्यालोचन गद्य जो है ये किस विधा की रचना है। का है नाटक, खा है उपन्यास, गा है आलोचना, घा है निबंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आलोचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है। का है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, खा है हरिशंकर प्रसाई, गा है मोहन राकेश, घा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं वो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है, यानी कि द मैड मैन इसको पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया। का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है राजकृष्ण दास ने, गा है डॉक्टर संपूर्णानंद ने, घा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, राजकृष्ण दास ने। देखिए द मैड मैन इसको पगला नाम से हिंदी में अनुवाद राजकृष्ण दास ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, कौन सी। का है आनंद कादंबरी, खा है हरिश्चंद्र चंद्रिका, गा है सरस्वती, घा है ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सरस्वती पत्रिका जो है ये भारतेंदु युग की नहीं है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? का है कहानी, खा उपन्यास, घ नाटक, घ आत्मकथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ आत्मकथा। आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। नेक्स्ट है दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनके पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी कि किस वर्ष में इन्होंने ज्यादा प्रकाशन किए? का है 1975, खा है 1978, घ है 1980, घ है 1981। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 1981। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्र जो है वो 1981 में इनका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ये घ वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है, यानी कि इन चारों में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है? का है स्मृति लेखा, खा है आवारा मसीहा, घ है नीलम देश की राज्य कन्या, घ है आखिरी चट्टान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ आखिरी चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचार रचना के संपादक कौन है? का है बाल मुकुंद गुप्त, खा है मुनि जिन विजय, घ है किशोरी लाल गोस्वामी, घ है नाभादास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख मुनि जिन विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी असफलताएं रचना की विधा है, यानी कि मेरी असफलता किस रचना की विधा है? का है जीवनी, खा है आत्मकथा, घ है रेखा चित्र, घ है संस्मरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख आत्मकथा, ये एक आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं, यानी कि भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन है? का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, घ है हरिशंकर प्रसाई, घ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं इन्होंने भूले बिसरे चेहरे की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण किया? ठीक है, ये पद पर थे। का है राहुल संकृत्यायन, खा है डॉक्टर वासुदेव प्रण अग्रवाल, घ है डॉक्टर संपूर्णानंद, घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत इन्होंने किया था और ये साहित्यकार भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्ण दास लेखक थे किस युग के? का है भारतेंदु युग के, खा है द्विवेदी युग के, घ है छायावादी युग के, घ है छायावादोत्तर युग के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भारतेंदु युग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी खबर रचना की विधा है, यानी कि अपनी खबर किस रचना की विधा है? का है जीवनी, खा संस्मरण, घ आत्मकथा, घ रेखा चित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किसके? का है जीवन और दर्शन के, खा है आंखों की था के, घ है रसद के रंजन के, घ है तिब्बत यात्रा के। तो देखिए जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनमें से रसज्ञ रंजन को लिखा है, ठीक है, तो ग वाला ऑप्शन सही होगा। यानी कि पूछा गया था कि इन रचनाओं में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस रचना के लेखक हैं, तो रसज्ञ रंजन के वो लेखक हैं।